everyone. Myself, Rahul Kumar Sen. Now today we are going to take numerical problem on heat balance sheet. जैसे कि आपने last time हमने theory में देखा था कि heat balance sheet को कैसे draw करते हैं. अब उसी के base पर हमें numerical problem को solve करना है. So हमारे पास problem दे रखा है यहाँ पे. तो problem है, the following observation were recorded during a trial on 4-stroke diesel engine. Power absorbed by non-firing engine when driven by an electric motor equals to 10 kilowatt, right? So, एक observation हमने diesel engine का किया, जहाँ पे हमने पाया गया कि power absorbed by non-firing engine when driven by an electric motor, मतलब electric motor से जब engine को हम चलाते हैं तो उसका जो टोटल पावर होता है वो कितना है, 10 किलोवाट, ठीक है. और स्पीड ऑफ द इंजन इक्वल्स टू 1750 rpm, मींस स्पीड मींस एन है आपका 1750 रिवॉल्यूशन पर मिनट. ब्रेक टॉर्क है 3274 न्यूटन मीटर. आप जैसे कि जानते हैं कि ब्रेक टॉर्क मीन्स आपके पास टी और बी की वैल्यू है 3274 न्यूटन मीटर. फ्यूल यूज्ड इक्वल्स टू 15 केजी पर आवर, ठीक है. एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इक्वल्स टू 42,000 किलो जूल पर केजी. एयर सप्लाइड इक्वल्स टू 4.75 केजी पर मिनट. एंड कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड इक्वल्स टू 16 केजी पर मिनट. और उसके बाद में लिखा है आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर इक्वल्स टू 65.8 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस इक्वल्स टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. रूम टेम्परेचर इक्वल्स टू 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 4.19 किलो जूल पर केजी केल्विन. और स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस विच इज इक्वल्स टू 1.25 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है. उसके साथ हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट ब्रेक पावर, मैकेनिकल इफिशियंसी, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन. एंड लास्ट में हमको ड्रॉ करना है ड्रॉप हीट बैलेंस शीट ऑन किलोवाट बेसिस. मतलब हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो किलोवाट बेसिस पर हमको इसका एनालिसिस करना है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा. सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक चीज तो है, क्या क्या दे रखा है हम प्रॉब्लम से ही देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और उसके बेस पर हमको उसका एनालिसिस करना है. अब भाई 4-स्ट्रोक डीजल इंजन है, ठीक है, डीजल इंजन है तो एक बात तो क्लियर है कि पावर ऑब्जॉर्ब बाय नॉन फायरिंग इंजन, ठीक है. तो फ्रिक्शन पावर कितना हो जाएगा आपका 10 किलोवाट. तो मैं लिखता हूँ उसका सॉल्यूशन, तो मैं इसको अलग पेज में लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा. सो गिवन वैल्यू सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग, मतलब ये 4-स्ट्रोक डीजल इंजन तो पावर के नॉन फायरिंग इंजन इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना दे रखा है, फ्रिक्शन पावर वो दे रखा है आपके पास, फ्रिक्शन पावर दे रखा है मेरे पास 10 किलोवाट, राइट. और उसके बाद रिवॉल्यूशन भी दे रखा है, स्पीड ऑफ द इंजन एन इक्वल्स टू दे रखा है मेरे पास 1750 RPM. उसके साथ में ब्रेक टॉर्क दे रखा है टी बी, और टी बी इक्वल्स टू है मेरे पास 3274 न्यूटन मीटर, राइट. इतना. उसके बाद है फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल यूज्ड, कितना यूज हुआ है फ्यूल, तो वो वैल्यू दे रखी है एम एफ इक्वल्स टू दे रखा है. सो मास फ्यूल रेट दे रखा है एम एफ, और एम एफ की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 15 केजी पर आवर,
राइट। और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल तो वो है हमारे पास सी वी इक्वल्स टू कितनी है क्वेश्चन में 42,000 किलो जूल पर केजी। उसके बाद में दे रखा है मास ऑफ कूलिंग वाटर वो दे रखा है 16 केजी पर मिनट। ठीक है, कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड इक्वल्स टू 16 केजी पर मिनट क्वेश्चन में ही है हमारे। उसके साथ में आउटलेट टेम्परेचर कूलिंग वाटर वो दे रखा है मेरे पास, आउटलेट टेम्परेचर कितना है टी जीरो कूलिंग वाटर जो कि है 65.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके साथ में एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर कितना दे रखा है, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर दे रखा है हमारे पास वो है टीजी 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ हाँ एक और चीज दे रखी है इनलेट और रूम टेम्परेचर ऑफ वाटर वो दे रखा है हमारे पास 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके साथ में है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दे रखा 4.19। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट वाटर इक्वल्स टू 4.19 किलो जूल पर केजी केल्विन। और स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस तो वो दे रखा है 1.25 किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस जो कि दे रखा है 1.25 किलो जूल पर केजी केल्विन। और एक और चीज रह गई हमारे पास यहाँ पर जो दे रखा एयर सप्लाई, एयर सप्लाई की वैल्यू कितनी है, एयर सप्लाई जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना दे रखा है एयर सप्लाई 4.75 केजी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस में जो हमारे पास डेटा है उसके बेस पर हमको सबसे पहले फाइंड करना है ब्रेक पावर। ठीक है, अब हमको ब्रेक पावर निकालना है तो ब्रेक पावर निकालने के लिए हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ब्रेक पावर मीन्स आप डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो डायनेमोमीटर का यूज तो हो गई होगा। तो बीपी मीन्स ब्रेक पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास टीबी टॉर्क इनटू ब्रेक टॉर्क इन ब्रेक पावर मल्टीप्लाई 2πN/60। राइट, अब अगर ये वाट में है तो ठीक है, अगर किलो वाट में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी किलो वाट में, क्योंकि हमको किलो वाट के बेसिस पर ही सारी वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, सो अब हम सारी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। टॉर्क कितना है 327.4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना है आपका 1750 और अपॉन 60 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते तो हमारी जो वैल्यू आएगी टोटल ब्रेक पावर की वो होगी 60 किलोवाट। तो हमको ये इजीली मिल गई 60 किलोवाट। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो स्टेप्स हैं हमको क्या फाइंड करना, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो अब हम मैकेनिकल इफिशियंसी फाइंड करेंगे। सो मैकेनिकल इफिशियंसी जो निकलेगी आपकी मैकेनिकल इफिशियंसी, सेकंड चीजों को कंडीशंस को फाइंड करना मैकेनिकल इफिशियंसी। अब मैकेनिकल इफिशियंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ईटा मैकेनिकल इफिशियंसी ये होता है बीपी अपॉन आईपी।
आईपी का मतलब होता है इंडिकेटेड पावर और बीपी का मतलब होता है ब्रेक पावर। तो हम जानते हैं कि आईपी इक्वल्स टू बीपी प्लस एफपी होता है हमारे पास। तो आप निकाल सकते हो इंडिकेटेड पावर, बीपी की वैल्यू कितनी है 60 जो अभी हमने निकाली है, ठीक है, और उसके बाद प्लस एफपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफपी की वैल्यू है हमारे पास 10 किलोवाट। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आईपी की, वो हो जाएगी 70 किलोवाट, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे। सो मैकेनिकल इफिशियंसी ये हो जाएगा हमारे पास 60/70, दैट मीन्स 0.8571, ठीक है। तो ये परसेंटेज में अगर हम लिखते हैं इसको तो 85.717% इफिशियंसी। तो मैकेनिकल इफिशियंसी कितनी हो गई हमारी 85.717%। ये भी निकल गया हमारे पास। अब हमें जो तीसरी कंडीशन निकालना है वह है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस, हॉट कंडीशंस हमको फाइंड करना है ब्रेक स्पेसिफिक। अब हमें दूसरी कंडीशन निकालनी है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस। सो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, वो होता है बी एस एफ सी इक्वल्स टू होता है आपके पास, वो होता है MF, मास ऑफ फ्यूल रेट अपॉन ब्रेक पावर, ठीक है। क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस। सो आपके पास MF की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। MF की वैल्यू कितनी दे रखी है, MF की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 15 kg/h, राइट। सो 15 अपॉन ब्रेक पावर कितना दे रखा है 60, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 0.25। जो हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 kg/kWh। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी MF मीन्स kg और BP मीन्स kWh, ठीक है। तो ये आपका सभी कंडीशंस कंप्लीट हो गई, जो हमने ब्रेक पावर भी निकाल दिया, मैकेनिकल इफिशियंसी भी निकाल ली, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस भी निकाल दिया। अब लास्ट में हमको क्या करना है, इन सभी वैल्यू के बेसिस पर हीट बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो देखिए, ये हमारा हीट बैलेंस शीट है, जहाँ पर टेबल में पहली चीज क्या होती है हीट सप्लाई, क्योंकि हम फ्यूल के थ्रू फ्यूल और एयर का मिक्सचर जब होता है जिससे हीट सप्लाई होती है, हीट सप्लाई होने के बाद हीट का कितना यूटिलाइजेशन होता है उसकी बैलेंस शीट के बेस पर हमको उसकी वैल्यू को यहाँ पर टेबल में मेंशन करना है। अब जैसे कि पहली स्टेप है ब्रेक पावर, तो ब्रेक पावर तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो। ब्रेक पावर हमने कितना निकाला था, ब्रेक पावर हमने निकाला था 60 किलोवाट, ठीक है। तो पहली स्टेप तो आपकी क्लियर है, ब्रेक पावर की हमने वैल्यू निकाली थी 60 किलोवाट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद ब्रेक पावर की तो वैल्यू निकली, और हाँ एक और चीज बताना मैं भूल गया, इन फ्यूल, फ्यूल कितना है आपके पास, फ्यूल के लिए मास ऑफ फ्यूल रेट मल्टीप्लाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो मास ऑफ फ्यूल कितना है, मास ऑफ फ्यूल है आपके पास 15 पर आवर, पर आवर मीन्स 1 आवर में 60 मिनट, तो सेकंड के हिसाब से कितना हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, कैलोरीफिक वैल्यू तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है 42,000 kJ/kg, तो ये हो जाएगा आपका 42,000। तो आप ये वैल्यू को सॉल्व करते हो तो ये टोटल वैल्यू आती है 175, जो कि किसके फॉर्म में हो जाएगी, आपके किलोवाट के फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि हमको वैल्यू भी किलोवाट के फॉर्म में ही चाहिए और उसी के बेस पर हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो आप एक चीज़ तो क्लियर है कि 175 किलोवाट है, और टोटल वैल्यू ये भी कितना है हीट सप्लाई 175 किलोवाट, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये वैल्यू जितनी हमने हीट सप्लाई की उतना आउटपुट में भी हमको शो
करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली स्टेप तो मैंने अभी निकाल दी, ब्रेक पावर जो कि आपको निकली थी यहाँ से क्वेश्चन में निकाली थी, पहली स्टेप निकाली थी हमने, जो हमने ब्रेक पावर निकाला था वो कितना आया था 60 किलोवाट। ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद है हीट कैरिड अवे बाय कूलिंग वाटर, या यूं बोल सकते हैं हीट रिजेक्टेड बाय कूलिंग वाटर। तो MW, MW का होता है मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर कितना है 16 पर मिनट, तो 16 अपॉन 60 और मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो कि वो कितनी होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो होता है हमारे पास कितना था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो था हमारे पास 4.19, राइट 4.19। उसके बाद आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना था, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर है हमारे पास 65.8, तो ये हो गया 65.8 डिग्री माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जब इंटर करता है वाटर तो वो कितना होता है आपका, वो टेम्परेचर होता है 20.8, तो वो है आपका 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी 50.28 किलो वॉट। तो ये कंडीशंस भी निकाल ली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी सेकंड कंडीशन में 50.28 किलो वॉट। ठीक है, अब इसको हम ऐड भी करते जाएंगे और ऐड करके हमको पूरी वैल्यू इसके बराबर हमको लेनी कि हमने जो 175 किलो वॉट जो हमारा हीट सप्लाई थी टोटल हीट का यूटिलाइजेशन भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हीट कैरिड अवे बाय एग्जॉस्ट गैसेस, तो एग्जॉस्ट गैसेस तो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, तो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस दो चीज से मिलकर है, मास ऑफ एयर सप्लाई प्लस मास ऑफ फ्यूल, जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है। मास ऑफ एयर सप्लाई कितना दे रखा है 4.75, और मास ऑफ फ्यूल कितना दे रखा है, मास ऑफ फ्यूल दे रखा है आपका 15 kg/h। ठीक है, सो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो mg मीन्स मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास ऑफ एयर सप्लाई प्लस मास ऑफ फ्यूल रेट। सो मास ऑफ एयर सप्लाई कितना है आपके पास 4.75 पर मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 16, और प्लस mf कितना है पर आवर, तो इसको भी आप मिनट में चेंज सेकंड में चेंज कर दोगे, क्योंकि इसको मिनट से सेकंड में चेंज करोगे तो 60 सेकंड, अब इसको आवर से मिनट सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 15/3600। और उसके बाद है आपका सीपीजी कितना है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, एग्जॉस्ट गैस की स्पेसिफिक हीट कितनी है 1.25, राइट इनटू ये हो जाएगा टीजी, टीजी की वैल्यू है हमारे पास 400 माइनस 20.8, तो ये टोटल इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 39.5 किलोवाट। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 39.5 किलोवाट। अब ये जो टोटल वैल्यू है कितनी 175, अब हम इन सभी वैल्यू को क्या करते हैं ऐड करते हैं, इसको 60 किलोवाट, 15.28 किलोवाट, 39.5 किलोवाट, इन वैल्यू को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये जो दूसरा इफेक्टिव लॉस है जिसके कारण बोलते हैं ना हीट अनअकाउंटेड फॉर ड्यू टू रेडिएशन, मतलब कुछ दूसरे तरीके के लॉस होते हैं इसके कारण हीट क्या होती है आपकी यूटिलाइज होती है लेकिन जो पता नहीं चलता है तो वो उसका डिफरेंस आ जाएगा, तो वो डिफरेंस जो भी होगा इतना तीनों वैल्यू को ऐड करके 175 में से आप क्या करोगे उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस होता है आपका 25.22। तो आप अगर इसका टोटल करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट टू 175 किलोवाट। तो आप देख लीजिए हमने जो हीट सप्लाई दी मतलब इंजन के थ्रू जो हीट सप्लाई हुई उसके बाद उसका जो टोटल हीट यूटिलाइजेशन हुआ वो इस फॉर्म में हुआ, तो टोटल वैल्यू हीट सप्लाई एंड टोटल वैल्यू ऑफ हीट यूटिलाइज वो भी कितना है 175
किलोवाट। तो इस तरह हीट बैलेंस शीट का ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको परसेंटेज वाइज हीट सप्लाई को भी कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज वाइज हीट यूटिलाइज को भी कैलकुलेट करना होता है। मतलब जितना आपने परसेंटेज हीट सप्लाई में दिया कर एक कॉलम और ऐड करते तो परसेंटेज का कॉलम हो जाता है, और उसके बाद हीट यूटिलाइजेशन में कॉलम ऐड करते तो वो परसेंटेज का कॉलम हो जाता है। लेकिन हमारा मेन एम यही है कि जितनी हीट आपने दी है उतनी हीट का यूटिलाइजेशन मीन्स उसका इवोल्यूशन होना चाहिए जो कि हमने निकाल लिया। तो कितने किस चीज़ों में इसका इवोल्यूशन हुआ, ब्रेक पावर। दूसरा किस में हुआ इसका, कूलिंग वाटर, मीन्स यहाँ कूलिंग वाटर से हीट रिजेक्ट हुई उसमें इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद में हीट कैरिड अवे बाय एग्जॉस्ट गैसेस, वो इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद में लास्ट हीट अनकाउंटेड फॉर ड्यू टू रेडिएशन, अनकाउंटेड मतलब हम जिसको काउंट नहीं करते, बट इसका डिफरेंस हम निकालते हैं कि इतनी हीट तो एटलीस्ट इस चीज में गई होगी, तो हम टोटल इवोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपका 175 और ये भी हो गया आपका 175, और इसी के साथ आपका ये आंसर कंप्लीट है। सो होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।